brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. बीजेपी विधायक अदिति सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं और उनकी खबरों में होने की वजह है उनकी खामोशी। वो रायबरेली सदर से विधायक हैं। अदिति सिंह का सदर विधानसभा सीट पर खासा प्रभाव भी है। हाल ही में अमित शाह ने रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान सपा से नाराज चल रहे ऊंचाहर विधायक मनोज पांडे से मिले। हालांकि अदिति सिंह गृह मंत्री अमित शाह के रायबरेली के दौरे में अपनी माँ वैशाली सिंह के साथ शामिल हुई थी, लेकिन मंच से भाषण नहीं दिया, जिसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि अदिति सिंह बीजेपी से नाराज हैं। सूत्रों की माने तो दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने से अदिति सिंह नाराज हैं। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से अदावत है। जब सदर सीट से अदिति के पिता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ा करते थे तो दिनेश प्रताप सिंह उनका विरोध किया करते थे। बाद में यह सियासी लड़ाई निजी दुश्मनी में बदल गई। अखिलेश सिंह की मृत्यु होने के बाद उनकी बेटी अदिति सिंह उनका उत्तराधिकार संभाल रही है। रायबरेली से वो पहले कांग्रेस की विधायक बनी पर अब बीजेपी में है। जाहिर है कि अदिति सिंह की नाराजगी का सीधा असर बीजेपी को मिलने वाले वोटों पर पड़ सकता है। कौन है अदिति सिंह? अदिति ने अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अदिति ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत रायबरेली की सदर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ की थी। अदिति को कांग्रेस में लाने में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी। अदिति ने कांग्रेस में आने के समय कहा था कि प्रियंका गांधी बहुत ही सशक्त महिला हैं, मैं उनके गाइडेंस में राजनीति में आना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस से चुनावी पारी शुरू की। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अदिति सिंह का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई। साल 2017 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी और जीती। साल 2019 अगस्त में अदिति के पिता अखिलेश सिंह का निधन हुआ था। अखिलेश 5 बार विधायक रह चुके थे। रायबरेली में उनका दबदबा था। गांधी परिवार से भी अच्छे संबंध थे। अब अदिति पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। अदिति सिंह ने साल 2019 में पंजाब से कांग्रेस विधायक अंगद सिंह सैनी से शादी की थी। बाद में अदिति सिंह के पति अंगद सिंह फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। अंगद सिंह पंजाब के नवा शहर से 2017 में विधायक बने थे, लेकिन 2022 में अदिति सिंह की बगावत के चलते कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था। अंगद सिंह बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। अदिति सिंह का सदर विधानसभा सीट पर खासा प्रभाव है। पार्टी के रणनीतिकारों ने उनकी बेरुखी पर चिंता जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।